आज सुबह यूपी से मेरे पास एक पेशेंट था, बहुत दर्द भरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि रोटी को मोहताज हो गए हम अपने गांव में, हमारे पास कोई नौकरी नहीं थी, तो मुंबई के पास में थाने कलवा में किसी रिश्तेदार के साथ आकर रहे, कुछ काम करना शुरू किया। अब एक किराए का घर ले लिया है, गांव जैसा सुख नहीं है, छोटा घर है, छोटी सी गली है, पर कुछ कमाई शुरू हो गई है। पढ़ाई कितनी जरूरी है। कुछ समय पहले मेरी यूपी के मिनिस्ट्री में एक सेक्रेटरी साहब से बात हो रही थी। मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों के, यूपी के जो लोग यहाँ रहते हैं और यूपी से जो आते हैं, उन्हें कैंसर है। बोले साहब क्या करें, करोड़ों, मतलब बोले यूपी जो है छोटा छोटा हिंदुस्तान है, इतनी आबादी है, किस किस को देखेंगे। सिर्फ लंबी और ठंडी सांस लेने से कुछ नहीं होगा, एक नवीन क्रांति की आवश्यकता है, एक नई आजादी की जरूरत है। उसी के लिए मैं इन नौजवानों को तैयार कर रहा हूं। जय। एक गुरुज का कितना पैसा मिलता है और एक गुरुज में कितना माल होता है? 144। 12 बारिया में 144। 10 गुरुज बनाए तो कितना मिला? 100 रुपए। 10 रुपए एक गुरुज का मिला तो 100 रुपए मिला। कितनी मेहनत है, जी तोड़ मेहनत है, मालूम है ना आपको कितनी मेहनत है। और भी घर के लोग लग जाते हैं क्योंकि पढ़ाई का खर्चा बहुत है, घर वालों के साथ मुझे भी बनाना पड़ता है ये सब। क्या करें, करना पड़ता है। नहीं तो इससे अच्छे हैं तरीके काम करने के। जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है और उसको इंटरनेट की नॉलेज है और उसको पता है कि मुझे कॉलेज में जाना है, मेरी ट्यूशन की भी फीस है, तो क्या करने की जरूरत है। आप इंटरनेट पर जाइए, देखिए, जैसे हमारा एनजीओ है जो ट्रेनिंग का है, ये एजुकेशन का एनजीओ नहीं है, ये ट्रेनिंग का है, सिक्योरिटी का है। आपको मिलिट्री ट्रेनिंग देना, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देना, आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना, आपको जितनी भी ये ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, स्ट्रीट कॉम्बैट की ट्रेनिंग देना, ये इसका है हमारा एनजीओ। तो जो एनजीओस जिस तरीके का काम करें, जो एजुकेशन का काम कर रहे हैं, उसको सर्च करो। जब मैं कॉलेज में जाऊंगा मुझे किसी ऐसे एनजीओ की जरूरत पड़ेगी जो मुझे मेरी ट्यूशन के लिए या मेरे कॉलेज की किताबों के लिए या फीस के लिए मदद कर सके, और करते हैं। बहुत एनजीओ हैं इंडिया में, मुंबई में कम से कम नहीं तो 12 से 13 हजार ऐसे एनजीओस हैं जो आपको मदद करते हैं, लेकिन आपको नॉलेज नहीं होती। क्यों? माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, वो कहां से बताएंगे, टीचर के पास समय नहीं है कि वो आपको इस चीज के लिए गाइडेंस दे सके। और ट्यूशन क्यों पढ़नी पड़े, मैं कहता हूं, मैंने अभी क्या बोला तुम्हारी कजिन को, ट्यूशन क्यों पढ़नी पड़े? आप अगर क्लास में ध्यान से अटेंटिवली सुनते हैं जो टीचर बोल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स भी मेहनत कम नहीं करते भाई, वो भी मेहनत करते हैं। नहीं, अगर आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनके पीछे पड़ जाओ, मैडम समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया, टीचर समझ में नहीं आया, हमें समझाओ, दोबारा समझाओ, समझाएंगे, वो मना नहीं करते कभी, कोई भी टीचर बुरा नहीं होता। गॉट इट? तो ट्यूशन का पैसा बचाओ। जो नहीं सुनते जाने दो, नहीं, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं स्कूल में नहीं समझ में आता, ट्यूशन में समझ में आ जाता है, क्योंकि स्कूल में पीछे जो बैठे हैं लड़के वड़के बदमाशियां बहुत करते हैं कि नहीं। सिंसियर हो जाओ, सीरियस हो जाओ, इस ट्रेनिंग का अपने जिंदगी में हर तरह से फायदा उठाओ कुछ करने के लिए। अगर आपके माता पिता अनपढ़ हैं और आपको इंटरनेट की या थोड़ी सी पढ़ाई की नॉलेज है, तो अपने माता पिता को बेवकूफ कभी मत बनाना, इतना बड़ा पाप है, आप सोच नहीं सकेंगे, इतना बड़ा पाप है। माता पिता को ऐसा समझो कि वो जीते जागते भगवान है हमारे सामने, वो आपके लिए कभी बुरा क्यों सोचेंगे रे। माता पिता की कृपा से ही आप इस जगह मौजूद हैं, इस दुनिया में आज, तो कभी उनको, अरे मम्मी मैं तो प्रोजेक्ट कर रहा हूं, मम्मी को क्या पता, लगा हुआ मोबाइल पर लिख रहा है कुछ, ऐसी मम्मी गई फिर कुछ और देखना शुरू कर दिया, क्या देखने शुरू कर दिए, शॉर्ट्स, समझ गए। सो माता पिता देवतुल्य नहीं, माता पिता ईश्वर तुल्य, देवताओं से भी ऊपर माता पिता होते हैं, ध्यान रखिए, कोई शक? और आप लोग क्या करते हैं, कभी सामने से बोल देते हैं माता पिता? नो, नेवर। बारिश हो, तूफान हो, 50 डिग्री हो, माइनस हो, कित कुछ भी आ जाए, कोरोना हो, पक्षी को जो सोने का समय है उस समय सोता, जो उसके उठने का समय है उस समय उठता है, जितना उसको खाना है उतना खाता है, उसके अलावा वो इकट्ठा करके नहीं रखता, जब जरूरत होती है तब घोंसला बनाता है। हमारी तरह बिल्डिंग पर बिल्डिंग खड़ी करके नहीं रखते, गलियों में 40-40 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी शुरू कर दो, क्योंकि